भाई वो भी गेम खेलता है कंप्यूटर पे अच्छा उसको हालांकि अभी तक पढ़ना नहीं आता, लेकिन उसको ये उसको है कि सबसे नीचे वाले रो में सेकंड बटन है वो ये करता है, थर्ड बटन है वो ये करता है, उस तरह से है। और उसको मामा ने उसने मामा को एक दिन कहा कि मामा मुझे हरकुलिस लगा दे। तो मामा ने कहा कि मैं आपको कैसे लगा के, तो मुझे हरकुलिस नहीं लगानी आती। उसने कहा मामा मैं आपको बताता हूँ, माई कंप्यूटर में जाए, लोकल डिस्क सी में जाए, उसमें हरकुलिस का फोल्डर होगा, उसमें जाके हरकुलिस लग जाएगी उसने मेरी मामा को बताया कि इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करें। उसने एक एक चीज मेरी मामा को बता तो दी। आपका 4 साल का जो भाई है वो भी मुझे लगता है आपके नक्शे कदम पे चल रहा है। वो नक्शे कदम पे चल रहा है, लेकिन मैं उसको अपना रिकॉर्ड तोड़ने नहीं यानी दूंगी दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाएगी नहीं, बिल्ली। दरख्त पे चढ़ना तो सिखाऊंगी, जरूर सिखाऊंगी, लेकिन ये होगा कि मेरा और मेरे भाइयों का एक रिकॉर्ड बनेगा, वो कोई तोड़ के नहीं दिखा सकता। वो क्या रिकॉर्ड हो गया जनाब? वो रिकॉर्ड होगा कि भाई अगर मेरे भाई भी कंप्यूटर्स में, मैं उनको अपनी से कम उम्र में कराऊंगी कराऊंगी, लेकिन ये हमारा रिकॉर्ड बन जाएगा। ये उसके सबसे छोटे भाई ने इतनी उम्र में किया, इसके उसने भाई ने इतनी उम्र में किया, और इसने इतनी उम्र में किया। यानी आपका टारगेट है, आपने अपने दोनों भाइयों के, हाँ, दूसरे भाई की क्या एज है? एक 4 साल दूसरे का है? भाई की एक 4 साल का, एक 8 साल का है। 4 साल का और 8 साल का। और उनकी अब आप टीचर साहबा हैं, मतलब यू गाइड देम, आप उनको टीचर पढ़ाती साहिबा हैं? तो नहीं हूँ, बस पढ़ा देती हूँ, लेकिन उनके लाड भी देखने पड़ते हैं, काफी ज्यादा देखने पड़ते हैं, क्योंकि वो पढ़ते नहीं है नहीं आजकल के बच्चे पढ़ते कहाँ पढ़ते हैं अरे यार। उसको दूसरे को पढ़ाई में शौक नहीं है, वो कहता मैंने मैंने स्कूल जाना है। अभी वो 4 साल का, मैं 2.5 साल की थी जब मैंने बोलना शुरू कर दिया था मैंने स्कूल जाना है, और मैं 2.5-3 साल की थी जब मैं स्कूल जाना शुरू कर दिया था मैंने, और 2.5-3 साल की थी, 2.5 साल की थी जब मैं नर्सरी में थी, और 3 साल की मैं केजी में थी और अब आप कौन सी क्लास में? मैं 6th में। सिक्स में। मैथ्स के अलावा भी कोई पढ़ाई वढ़ाई से शौक है, कोई और मैथ्स में सब्जेक्ट? मुझे मुझे मैं पोइट्री करती हूँ इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश मुझे इतनी ज्यादा सब्जेक्ट पसंद नहीं इतनी ज्यादा, और अच्छा ज्योग्राफी हिस्ट्री में मुझे इंटरेस्ट है, अच्छा हिस्ट्री, इस्लामियात, उर्दू, उर्दू के अंदर, क्योंकि इसलिए क्योंकि उर्दू के अंदर स्टोरीज बहुत पढ़ने को मिलती हैं, इंग्लिश के अंदर इतनी ज्यादा मुझे स्टोरीज पढ़ने को मिलती नहीं है, उर्दू की ज्यादा स्टोरीज हैं। अच्छा अरफा, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग हमसे बात शेयर की कि ये सब करने से पहले छोटी सी उम्र के अंदर आपने अपना टारगेट बना लिया था कि मैंने वर्ल्ड वाइड फेम हासिल करना, मैंने मैंने कुछ ऐसा करना है कि दुनिया हाँ, में मेरा नाम हो दुनिया जाए, मुझे जाने, क्योंकि मैं दुनिया जहां भी जाऊं मुझे उनको पता हो कि ये ये अरफा कौन है, है। ये कौन ठीक है, है। और माशाल्लाह से एट द एज ऑफ 9 और 10, नाउ यू आर 10, बट जब आपने ये किया तो उस वक्त आपकी उम्र 9 साल थी। उस वक्त मेरी उम्र 9 साल, 9 महीने, 11 दिन, 6 घंटे, 10 मिनट और 2 सेकंड थी। 3 सेकंड? दो सेकंड नहीं, मैं काउंट दो कर रहा था, सेकंड 3 सेकंड। आप मुझे देख ही नहीं रहे अच्छा ओके थे आप काउंट कैसे करते? अच्छा आप अच्छा बताएं मैंने किस दिन एग्जाम दिया था, यू आर वेयर फ्रॉम ट्यूसडे ना, वेडनेसडे, यू आर थोड़ा ना, इतना तो रॉन्ग बुढ़ापे का मार्जिन मुझे दो यार। ओके, आगे क्या इरादे हैं? मतलब 10 साल 9 साल की उम्र में आपको दुनिया भर, दुनिया के लेवल की, वर्ल्ड लेवल की रिकॉग्निशन मिल गई। बट दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, जस्ट जस्ट बिगिनिंग। ओके, दिस इज दैट्स व्हाट आई एम जस्ट द इंटरेस्टेड टू बिगिनिंग। नो, व्हाट इज योर टारगेट नाउ? व्हाट इज माय टारगेट नाउ? यू नो आई हैव मेनी टारगेट्स, नंबर वन क्या करना लाइक देयर चाहती इज है? ऑलवेज अ रूम एट द टॉप, ओके, बट यू यू आर कैन ऑलरेडी नॉट हैव एनी फ्यूचर टारगेट, यू कैन नॉट हैव एनी फाइनल टारगेट, बट नाउ माय टारगेट्स आर यू नो दैट आई वांट टू कंप्लीट द MCSD.NET, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन डेवलपर .NET, इट्स अनदर सर्टिफिकेशन, एंड एक्चुअली बट what it was that I have cleared the first exam of MCSD.NET actually, and so I am an MCP, Okay. and I want to complete my MCSD.NET as earlier as possible, and then I want to वो be भी एक young, रिकॉर्ड होगा। वो भी एक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि MCSD.NET सिर्फ दुनिया में कोई होंगे 4-5 हज़ार लोग जिन्होंने MCSD.NET किया होगा, पाकिस्तान में सिर्फ कुछ चंद ही होंगे, वो आप इसीलिए करना चाहती हैं? वो आई वॉन्ट टू कम्प्लीट दैट एज अर्लियर एज पॉसिबल, मेक येट अनदर वर्ल्ड रिकॉर्ड। लोग बड़े होके जो कुछ करते हैं वो आप बड़े होने से इंशाल्लाह पहले ही कर लेंगी, तो बड़े होके बड़े क्या करेंगी? होके, बड़े होके लोग करते हैं, मैं बड़े होके इस तरह, बड़े होके जो लोग करते हैं ना, लोग डॉक्टर सिर्फ ये भी यही कहते हैं कि जो बड़े 1 हफ्ते में सीखते हैं वो बच्चे 10 मिनट में सीख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि बच्चों को अपनी मेमोरी जाया नहीं करनी चाहिए, उनके पास इतना ज्यादा जहन है तो वो जाया क्यों करें, उनको चाहिए कोई अपनी यंग एज में करे, बेशक रिकॉर्ड ना बनाए, और ज्यादा जरूरी लेकिन नहीं कि ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड सीखे। बनाए, ज्यादा से ज्यादा सीखे,
क्योंकि जो बच्चे हैं उनको अगर क्योंकि जो बच्चे हैं उनको अगर मैं एक एग्रीकल्चर फैमिली से हूँ, इस तरह से मैं आपको एग्रीकल्चर की मिसाल देती हूँ। बच्चे एक सीड की तरह होते हैं, उसको अगर सही तरह से मिट्टी को सही तरह से उसको दबोया ना जाए, उसके अंदर सही तरह से उसको सही पानी की क्वांटिटी ना मिले, सही धूप ना मिले, उसको सही पानी ना मिले, सही उसके अंदर मिनरल्स ना मिले, तो वो कभी बाहर ग्रो तो करता है वो, लेकिन उसकी ऐसी यील्ड नहीं निकलती जिस तरह की आप चाहते थे, जिस तरह की आप सोचते थे। इसी तरह बच्चा भी होता है। बच्चे के जो फर्स्ट 10 ईयर्स होते हैं वो उसकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग के ईयर्स होते हैं। अगर उसमें उसको उसको सही तरह से अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली जाएंगी, उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाएंगी, और उसको सही तरह से उसके सही तरह से उसको डांटना चाहिए, बच्चे को डांटना चाहिए, उसे ज्यादा भी नहीं इस तरह आपको लाइट बढ़ती उसके डांट देखने जाएंगे। हाँ, मुझे पड़ती है, जरूर पड़ती अम्मी से अब उससे ज्यादा है, किससे पड़ती मामा से पड़ती है, बाबा इतना नहीं डांटते क्योंकि बाबा ज्यादातर अवे होते हैं आर्मी में जो है, नहीं तो तो अब मामा डांटती तो आप आगे से नहीं कहती मामा प्लीज मेरे से ज्यादा बातें नहीं करें मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ नहीं ऐसा नहीं नहीं मामा मामा होती है ना मामा मामा होती है अच्छा मामा कभी कभार मुझे दो चार लगा भी देती है, जब कभी कुछ हो जाए ना, मैं काफी लापरवाह हूँ इस तरह। जब मेरा अगर कल पेपर हो, एग्जाम हो मेरा क्लास का, तो मैं आज रात 9 बजे बैठ के पढ़ना शुरू करूंगी, उससे पहले मैं पढ़ती ये इसका नहीं इस्तेमाल होता है मामा कुछ मामा पहले प्यार प्यार से समझाती है, प्यार प्यार से समझाती है, फिर नहीं मैं समझती, फिर मामा मुझे डांटती है, और मामा की डांट खा खा के फिर मैं जाके मुंह बना के फिर भी मैं 9 o'clock जाके पढ़ती हूँ, मुंह बना के बैठ के पढ़ती हूँ। आपको पढ़ाई के उस तरह से नहीं, शौक पढ़ाई का शौक तो मुझे है, लेकिन मैं ये है कि मैं इतना ज्यादा पढ़ती नहीं। इतना ज्यादा पढ़ने से भी ना दिमाग पे टेंशन आ जाती है, बोझ आ जाता है। मैंने काफी बच्चों को देखा है, वो इतना ज्यादा जब पढ़ते हैं ना, उनकी ज्यादा ही ज्यादा उम्मीदें होती हैं, बहुत ज्यादा उम्मीद करके आ रहे होते हैं, मैंने इतना ज्यादा पढ़ा, मेरा 100% मार्क्स आएंगे, और जब उनके 100% नहीं आते, उतना ही ज्यादा उनको शौक पड़ता है। अरफा हमारे साथ मौजूद है हम एक छोटा सा म्यूजिक ब्रेक लेते हैं अरफा से हम जरूर जानना चाहेंगे इस म्यूजिक ब्रेक के बाद के इस उम्र में ये सब कुछ करने से क्या ये महसूस नहीं करती कि इन्होंने अपना बचपन उस तरह से एंजॉय नहीं किया जिस तरह के बाकी बच्चे करते हैं एट व्हाट कॉस्ट हैज शी अचीव्ड व्हाट शी वांटेड रहिए हमारे साथ राइजिंग पाकिस्तान में